और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। पर मध्य प्रदेश के सौंसर छिंदवाड़ा से नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय और नगर निरीक्षक सौंसर द्वारा जनप्रतिनिधि तथा नगरवासियों से अभद्र व्यवहार किए जाने के विरोध में आज कांग्रेस जनों द्वारा धरना देकर नारे लगाकर ज्ञापन देकर कार्यवाही करने की मांग की गई। सौंसर क्षेत्र के इस शांति प्रिय माहौल में इस कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आम जनता एवं जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। कल गश्त पे निकले नायब तहसीलदार एवं नगर निरीक्षक द्वारा नगर पालिका सभापति और उनके मित्रों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसके पूर्व भी सौंसर शहर के व्यापारियों नगर के सामान्य जनता के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई। कोरोना काल के दौरान जनप्रतिनिधियों स्थानीय जनता और सामाजिक संगठनों द्वारा सहयोग किया गया, परंतु प्रशासनिक अधिकारियों का इस प्रकार का व्यवहार से आम जनता एवं जनप्रतिनिधियों में रोष व्याप्त है। उक्त घटना की जांच कर संबंधित अधिकारियों पर आवश्यक कार्यवाही करने की कांग्रेस जनों द्वारा मांग की गई। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए सौंसर छिंदवाड़ा से आशीष सूर्यवंशी की रिपोर्ट।